यहां पे जो देखो बेटा टी यू आर ई है, ठीक है ना, इसको हमेशा याद रखना आपने, जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसको चर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये नियम है इंग्लिश का, ठीक है, जहां भी टी यू आर ही तो उसको क्या पढ़ेंगे, चर, ऐसे टी यू नहीं पढ़ना है या फिर टूरे नहीं पढ़ना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, चर पढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए इसके नियम आगे, एन ए टी यू आर ई, एन ए ने आगे टी यू आर ई चर, अब इसको पढ़ते हैं यहां पे ने, ये क्या हो गया चर, नेचर, क्या हुआ ये नेचर, ठीक है। आगे देखिए यहां पे टी ई एक्स, क्या हो गया टैक्स, आगे चर, क्या हो गया ये टैक्स, टेक्सचर, क्या हुआ टेक्सचर, ओके। सिंपल सी बात है, देखिए इतने लंबे लंबे वर्ड अदरवाइज आपको नहीं पढ़ने आने थे, है ना, आपके लिए समस्या होती है, हम सभी के लिए समस्या होती है जब हम इंग्लिश के शुरुआती दौर में होती है, और जब हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है तो हमें इस प्रकार के शब्द पढ़ने नहीं आते और हम उसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। एक वीडियो भी पीछे वायरल हुआ था जिसमें एक मैडम बच्चों को पढ़ा रही थी, एन ए टी यू आर ई नटूरे, है ना, नटूरे पढ़ा रही थी। एक्चुअल में उसे, उस मैडम को खुद पता नहीं था कि टी यू आर ई को जो है इसको क्या पढ़ते हैं, चर पढ़ते हैं, इसलिए नेचर की जगह उसने क्या बोल दिया, नटूरे, हैं, नटूरे और बटूरे, ठीक है ना। गलत प्रोनाउंसिएशन के बारे में जब हमें साउंड्स के बारे में पता नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, हम गलत प्रोनाउंस करेंगे, है ना। तो यहां पर आगे देखिए F U T U R E, जो T U R E इसको क्या पढ़ते हैं, चर, तो F U को फ्यू, है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर, क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर, ओके। आगे देखिए बेटा इसको क्या पढ़ना है, चर पढ़ना है, इसको जोड़ो अलग से P I C, क्या हो गया, पिक, पिक चर, क्या हो गया, पिक्चर, क्या हो गया, पिक्चर, पी आई सी नहीं होता है, सी का सौ नहीं होगा यहां पे, सौ कहां पे बताया, इसके बाद जब सी के बाद क्या आ जाए, बाई आई और ई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, ओके। ये क्या हो गया, पिक्चर, मजा आ रहा है पढ़ने में, इजी हो रहा है पढ़ना ना। आगे देखिए सी यू एल टी यू आर ई, इसको तो हमने पढ़ लिया है, ये क्या है, चर है, जहां भी टी यू आ रही है उसको चर पढ़ना है, और हमने क्या जोड़ना है, सी यू एल, कल, क्या हो गया, सी यू एल, कल, टी यू आर ई, कल्चर, क्या हो गया, कल्चर, शाबाश, कल्चर, कल्चर। आगे देखो यहां पे पंक्चर, ठीक है ना, देखो लिखा हुआ पी यू एन सी टी यू आर ई, पंक्चर। आगे देखिए यहां पे इसको क्या पढ़ना है, चर पढ़ना है, तो यहां तक हमने पढ़ना है सी आर ई ए टी, ये क्या हो गया, सी आर ई ए क्रिए, क्रिए चर, क्रिएचर, क्या हो गया, क्रिएचर, क्रिएचर, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, एम ओ आई एस, मॉइस, क्या हो गया, मॉइस, आगे क्या है, चर, मॉइस्चर, मॉइस्चर, क्या हो गया, मॉइस्चर। एक बार सभी पढ़ते हैं, ये क्या हो गया, नेचर, टेक्सचर, फ्यूचर, पिक्चर, कल्चर, पंक्चर, क्रिएचर एंड देन मॉइस्चर, ठीक है। आपने एक चीज माइंड में रखनी है हमेशा अपने माइंड में, कि इंग्लिश के जिस भी शब्द में जहां भी लास्ट में टी यू आर ई आए, जहां भी टी यू आर ई आए, तो उसका उच्चारण हमने क्या करना है, चर करना है, याद रखनी है, ठीक है। ये तो मैंने कुछ शब्द उठाए हैं जो जरूरी थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द है जहां पे टी यू आर ई आता है, तो जहां भी टी यू आर ई शब्द में आएगा तो शब्द का उच्चारण आपने टी यू आर की का क्या करना, चर करना है, जो
टी यू आर ही है, इसका उच्चारण क्या होता है? चर। ओके,